क्या है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और इससे इनवॉइस पोर्टल और ईवे बिल सिस्टम की सिक्योरिटी कैसे बढ़ेगी? क्या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रजिस्टर करना मैंडेटरी है? और अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की स्टेप ही स्किप करनी हो तो आज बात आपके इन्हीं सवालों के जवाब पर। बस ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। तो वेलकम बैक टू जीएसटी हीरो यूट्यूब चैनल, जहां हम देखते हैं जीएसटी के सभी अपडेट्स और कॉन्सेप्ट्स। तो आज चलेंगे सीधे मुद्दे पर। ई इनवॉइस पोर्टल और ईवे बिल सिस्टम की सिक्योरिटी एनहांस करने के लिए गवर्नमेंट ने जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रजिस्टर करना कंपलसरी है, मैंडेटरी किया है, तो उसे प्रैक्टिकली कैसे करें, उसका प्रैक्टिकल डेमो आज देखेंगे हम। तो सीधे चलते हैं हमारे वेबसाइट पर। तो सबसे पहले जीएसटी के ई इनवॉइस पोर्टल की वेबसाइट पर हम जाते हैं, और वेबसाइट पर जैसे ही जाएंगे राइट साइड कॉर्नर में आपको लॉगिन बटन ऑप्शन अवेलेबल होगा, जहां आपको आपका यूजर नेम, पासवर्ड और जो कैप्चा दिया है वो डालना है। तो यहाँ हम सैंपल के तौर पर हमारा यूजर नेम, पासवर्ड डालते हैं और कैप्चा डाल के लॉग इन करते हैं। फिर आपके सामने आ जाएगी ये टैब, जिसमें आपको सीधा रजिस्टर फॉर 2FA का बटन आ जाएगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस बटन पर क्लिक करते हो, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाएगा। एक्चुअली OTP जनरेशन 3 रास्तों से होता है। सीधा डायरेक्टली SMS थ्रू आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा, और संदेश ऐप इंस्टॉल करने के बाद भी आपको OTP वहाँ भी भेजा जाएगा। संदेश ऐप के अलावा या इसी GST Shield ऐप से भी आपका OTP जनरेट हो सकता है, बट सबसे आसान रास्ता तो SMS वाला ही है। अगर इन केस आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप NIC GST Shield ऐप या संदेश ऐप में रजिस्टर करके OTP जनरेशन वहाँ से कर सकते हो। तो इसके बाद जस्ट आपको सिंपली ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके दबाते हो, आपको एंटर OTP की एक टैब सामने आ जाएगी, जहाँ पे आपको मोबाइल नंबर पे आया हुआ OTP डालना है। फिर OTP डालने के बाद जस्ट सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर दो, आपका 2FA रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली रजिस्टर हुआ है। तो बस ये थी एकदम आसान और सिंपली 2FA रजिस्टर करने की प्रोसेस। इसमें कई बार आपको टेक्निकल ग्लिच या इश्यू आने की संभावना है, बट डोंट वरी, ट्राई अगेन एंड ट्राई अगेन। आपको 2FA रजिस्ट्रेशन करने के लिए बस हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए। इसके बाद देखेंगे ईवे बिल सिस्टम पर 2FA रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो जैसे ही आप ईवे बिल सिस्टम की वेबसाइट ओपन कर लेते हो, तो एज इट इज आपके सामने यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा की विंडो आ जाएगी। आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड और नीचे दिया गया कैप्चा डालना है। तो जैसे ही आप अपने क्रेडेंशियल्स डालते हो, बस सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर दो। फिर से आपके मोबाइल पर या संदेश ऐप पर एक OTP जाएगा, जिसे आपको OTP ऑथेंटिकेशन के टैब में डालना है और बस सबमिट कर लेना है। हो गया आपका 2FA रजिस्ट्रेशन। बस इसके बाद आपको शायद चेंज पासवर्ड की टैब आ जाएगी। तो अगर आपको एग्जिस्टिंग पासवर्ड चेंज करना है, तो आप कर सकते हो, इसमें नया पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। और नहीं करना है तो बस एग्जिट पर बटन दबाओ। तो हो गया आपका इनवॉइस पोर्टल और ईवे बिल सिस्टम के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रजिस्ट्रेशन। और दोस्तों, अगर आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की स्टेप ही स्किप करनी हो, तो इसके लिए कोई ऑप्शन है क्या? तो हाँ दोस्तों, इसके लिए भी एक ऑप्शन है। बस इसके लिए आपको जीएसटी हीरो के इनवॉइस और ईवे बिल सॉल्यूशन का सहारा लेना होगा, जिसमें आपको हर बार टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको इनवॉइस पोर्टल पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जीएसटी हीरो के इनवॉइस और ईवे बिल सॉल्यूशन जनरेट करेंगे 100% एक्यूरेट और कॉम्प्लायंट इनवॉइसेस। बस स्क्रीन पर दिख रहे डिटेल्स थ्रू हमें कॉन्टेक्ट कीजिए और हमारे सॉफ्टवेयर का डेमो देखिए। आपको डेफिनेटली हमारी सर्विसेज पसंद आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब रुकने का वक्त आ गया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोबारा जल्दी कुछ खास कॉन्टेंट लेकर। तब तक आप आराम कीजिए, अपना, अपनों का, अपने बिजनेस का ख्याल रखिए, और बाकी जिम्मेदारी जीएसटी हीरो पर छोड़ दीजिए।